सांसद जी, सपा महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा, उन्होंने कहा कि हिजाब पे हाथ डालने वालों को हाथ काट दिए जाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हिजाब कहाँ पर अलाउ है पहनना, कहाँ नहीं है, इसकी बात आती है। जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पर अलाउ नहीं, ड्रेस कोड अलाउ है। ऐसे तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएंगी। कोई हिजाब पहन के आएगा, कोई टीका लगा के आएगा, कोई लाल पटका डाल के आएगा, कोई पगड़ी पहन के आएगा, कोई त्रिशूल लगा, ये गलत होगा, शोभा नहीं देगा। जो शिक्षा क्षेत्र हैं, शिक्षा क्षेत्र में जो उनकी ड्रेस कोड है वही लागू रहती है। ये जो महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा जो बोल रही हैं, उन्हें समझ नहीं है किस मानसिकता से बोल रही हैं। उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। इस तरह के बर्ताव देने से पहले सोचना चाहिए मैं बोल क्या रही हूँ। केवल चमकने के कारण ऐसे बयान देना, ये देश के लिए, प्रदेश के लिए और स्वयं के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सिस्टम की बात करो, मुस्लिम बहन हो, हिंदू बहन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बहनें हमारी सम्मानित हैं, लेकिन जो कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का जो ड्रेस कोड है उसका पालन करना चाहिए। नहीं, वो प्रशासन अपना उस वीडियो को देख के अपने आप कार्रवाई करेगा। प्रशासन का काम है ये कार्रवाई करना। हिजाब कंट्रोवर्सी पर जो आप पूरा प्रकरण चल रहा है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये पर्दा या हिजाब जो है, ये इंसानियत और शराफत की, हमेशा की हमारे भारत की, हमारे देश की, हज़ारों साल की तहजीब की निशानी है। हमारे घूंघट भी आपने देखा होगा, सर पर ढकना भी देखा होगा, और इसके अलावा चेहरा ढकना भी देखा होगा। इसके अलावा चेहरा न भी ढके, लेकिन पूरा जिस्म इंसान को ढकना होता है, और जहाँ तक हो सकता है अपने चेहरे को भी नौजवान बच्चियाँ या नई शादीशुदा औरतें जो छुपाती हैं, इसलिए कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। रही बात इस वक्त ये पैदा करने की बात, तो जो चीज़ हज़ारों साल और सैकड़ों साल से चली आ रही है, सिवाय इलेक्शन के मौके पर अपने आप कोई नोट बनाने या कंट्रोवर्सी पैदा करना या हिंदू मुस्लिम का प्रकरण खड़ा करना, इसके अलावा कोई अहमियत नहीं है। वरना अगर कोई अपने मजहब के मुताबिक तिलक लगाए, जनेऊ पहने या क्रॉस लटकाए या पगड़ी पहने या कृपाल लटकाए या कोई और इस तरह की काम करे जो उसको समझ में आता है, तो उसके धर्म के मुताबिक है, उसमें कोई हमेशा से एतराज़ नहीं हुआ। सब लोग एक दूसरे का अदब व एहतराम, सम्मान, गांव देहात, पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे सब लोग करते आए हैं। तो औरतों की तो शराफत की निशानी है और उनकी पाकिजगी की निशानी है। मासूम बच्चियों के लिए ये बहुत उम्दा बात है और उन्हें आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मर्जी के मुताबिक अपना हिजाब कर सकें या अपना पर्दा कर सकें। सर, स्कूलों में जो एक यूनिफॉर्म होती है स्कूल की, उसको लागू होना चाहिए स्कूलों में या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? स्कूलों में लागू होने के बावजूद कभी ये पाबंदी नहीं हुई कि आप स्कार्फ नहीं पहन सकते। यूनिफॉर्म अपनी जगह है, लेकिन कोई अपने धर्म के मुताबिक अगर स्कार्फ पहनना है पहना जाएगा। कोई इसके अलावा अगर कोई थोड़ा बहुत चेहरा, लड़कियाँ हमारे यहाँ हिंदू लड़कियाँ सब देखिए, सब जगह चेहरा आधा आधा ढक के चल रही हैं, हम देख रहे हैं, तो क्या आप पाबंदी लगा देंगे? ऐसा पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। ये तंग जहनीत की बात है। लोग चांद में जा रहे हैं, लोग तरक्की की बातें कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क हमारा चाइना हमसे कहीं आगे निकल गया, हम इस तरह की खुराफात में अपने लोगों को उलझा रहे हैं कि लोग आपस में कट मर रहे हैं, लड़ मरे, एक धर्म की और दूसरे धर्म की बातें करते रहते हैं, ये सब बेवकूफ़ी की बात है। मानो तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद हाई कोर्ट में तो अब गया है, जब झगड़ा लोगों ने पैदा करा है, बिला वजह की बात है। वहाँ कर्नाटक सरकार जो है बेअकल हो गई है, बेवकूफ़ हो गई है, जिस तरह की बेवकूफ़ी की बातें कर रही है। अच्छा, अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि हाथ काट देंगे, हाथ काटने तक का बयान दे दिया उन्होंने। ये सब ये भी पागलपन की बात है। कोई इलेक्शन वाले स्टैंड है, इन्हें अलग चाहिए वोट और अलग चाहिए वोट, दोनों वोट के चक्कर में।